फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे लाइट पे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे सिलेबस का। ये मार्क्स भी कम से कम 4 से 5 मार्क्स का आना, कम से कम 4 से 5 मार्क्स का आना, मैक्सिमम यहाँ से 8 मार्क्स कवर होते हैं। ये जो चैप्टर है ना ये हमारा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से भी बिलोंग करता है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, कुछ भी काम हम लोग करते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, वीडियो पर काम कर रहे हैं, बिना लाइट का पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट पर और एकदम डिटेल में देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आज हम आपको आखिर तक ये चीज प्रूफ कर देंगे कि कैसे आप आसानी से लाइट चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि सर ये लाइट है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे हमें मिरेज फॉर्म करना है, हमारे जो फिगर्स बनेंगे कैसे हमें, मतलब कैसे सारे वो फॉर्म होंगे। तो आज हम लोग सब कुछ देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं, आराम से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि लाइट से सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि लाइट है क्या। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या। तो आज एक बात ये आप लोग जान लीजिए कि जो लाइट है ये दो नेचर शो करती है। पहला शो करती है पार्टिकल नेचर और दूसरा शो करती है वेव नेचर। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है, हालांकि इसको आपको डिटेल में क्लास 12th में पढ़ना है और उसके बाद आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि लाइट जो व्हाट इज लाइट क्या है, तो बताएंगे लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। जब ये वेव होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है और जब पार्टिकल नेचर शो करती है तो पैकेट्स के फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये बात समझ में आ गई, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो लाइट है ना, हमें यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, हम लोगों को जो पढ़नी दो चीज़ें पढ़नी है। पहला हम लोगों को पढ़ना है लाइट से रिफ्लेक्शन, दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। दो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। पहला चीज़ क्या पढ़ना है, हम लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर पढ़ना उसके बाद रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या हुआ, लाइट तो आ रही है फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी। तो जहाँ पर लाइट एक बार आ रही है फिर से ट्रेवल वापस फ्लैश बैक आ रही है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। और जो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, लाइट क्या करती है पर्टिकुलरली सीधे उस मीडियम मटेरियल मीडियम को आगे क्रॉस करके दूसरे साइड चली जाती है, उस मटेरियल मीडियम में एंट्री कर जाती है, वो हमारा रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन में भी हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पढ़ना है। दूसरा पढ़ना हम लोगों को स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ना कि हमें पढ़ना क्या क्या, तो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है। पहले हम लोग प्लेन मिरर पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत स्फेरिकल मिरर पे काम करेंगे। और अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में क्या करना है, हम लोगों को लेंस पढ़ने हैं, लेंस पढ़ने। लेंस भी कौन से लेंस हम लोगों को जो पढ़ने हैं, वो पढ़ने दो टाइप्स के लेंस पढ़ने हैं, कॉनकेव लेंस पढ़ने हैं और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग दो पोर्शंस को कवर करेंगे। जो पहला पोर्शन करेंगे वो करेंगे कॉनकेव मिरर हमारा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। यही से यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन में लेंस में क्या होगा, पहला होगा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड लास्ट पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से नियम होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, प्लेन मिरर पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है एक्चुअल में एक स्फीयर का है कि ये पार्ट होता है, जहाँ से हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर काम करेंगे और हम लोग फिर इसके बाद लेंस पर काम करेंगे। टोटल हम लोगों को इतना पढ़ना है और आज आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आज पूरा आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। हम लोग आज ये भी जानेंगे साथ में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज बाय, आइए
अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कराएंगे। ओके, तो देखिए कभी कुछ लोग इसको प्लेन सरफेस भी कहते हैं, प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो अगर सरफेस तो आपको डरना नहीं है, ये चाहे प्लेन मिरर लिखा हो चाहे प्लेन सरफेस, दोनों की सेम बातें होती हैं। आइए हम लोग देखते हैं, एक हम लोग प्लेन मिरर बनाते हैं। मिरर कैसे बनाएंगे, हमें एक ग्लास लेना होगा, हमने ग्लास लिया एक शीट ग्लास के लिए, और उसके जो एक साइड को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। जो पॉलिश करने का साइन होता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये शो करता है कि जो इसकी ये वाली साइड है वो क्या है, पॉलिश्ड है। पॉलिश करेंगे किसके, किसी भी मेटल से करेंगे, आप सिल्वर से कर सकते हैं, कॉपर से कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, चूंकि सिल्वर की हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर की रिफ्रैक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होती है, इसमें लोग क्या करते हैं, जनरली सिल्वर से कोट करना होता है, तो फिर आप कॉपर से करें तब भी चलेगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। अब जब हमारा ये मिरर है तो इस पर एक लाइट आएगी, तो जो लाइट इस पर आती है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये बात समझ में आई, और जिस पॉइंट पे ये इस हमारे जो मिरर है ना उस पे जो टच करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात समझ में आई, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो हमारी रे रिफ्लेक्ट होती है भाई, एक रे आई थी इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट क्या करेगी, वो रिफ्लेक्शन करेगी, तो जो रिफ्लेक्शन करती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। दो बात समझ में आ गई, आप एक बात ये समझ लिए कि हमारा जो मिरर है उस पर एक लाइट इंसिडेंट करेगी और वही लाइट क्या करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होती है, होती है। अच्छा, दो पॉइंट हम लोग जान लिए, एक बात और जान लीजिए, जो हमारा मिरर होता है ना इसके हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, द एंगल बिटवीन द मिरर and the line will be always 90 degree. This is the actual meaning of perpendicular. The two lines will be perpendicular only at that case if the angle between the two lines will be 90 degree. So यहाँ पे क्या है, जो हमारा angle यहाँ पे है वो 90 degree है, right angle triangle, अगर हम लोग right angle बन रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई, तो हम लोग तीन बातें जान लिए इमेज फॉर्म करने से पहले, एक जो हमारी लाइट एंट्री करती है, जो लाइट हमारी आती है वो इंसिडेंट रे होती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और बीच में हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, हमारे एग्जाम्स में आता है और मार्क्स हमें यहाँ से फ्री में मिलते हैं। हम जब बच्चों से बात करते हैं फ्री मार्क्स की तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, सर आप फ्री में मार्क्स कैसे दिलाएंगे, तो आइए बताता हूँ मैं आपको फ्री मार्क्स दिलाते कैसे। ये सारे ऐसे टॉपिक्स है ना कि जहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, आप लोग पता नहीं क्या परेशान हो जाते हैं सर लाइट को लेकर के, अरे एकदम आसान आसान दो तीन नियम पढ़ने फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, जो पहला हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये हम लोग जानते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या करती हैं, सेम प्लेन पे लाई करती हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या है, जो मिरर की बात करें भाई, जो भी हमने मिरर बनाया है इस मिरर पे लाई करेंगी। हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same plane. ये बात समझ में आ गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल all lies on same plane. अब पूरा हम नहीं लिखेंगे, बाकी आप लोग समझ जाइएगा कि तीनों क्या करती है, सेम प्लेन पे लाई करती है। ये होता है रिफ्लेक्शन का पहला नियम। बात समझ में आ गई। एक नियम और होता है, वो इससे भी आसान है, वो तो एकदम आसान है। आइए देखते हैं दूसरा नियम इसमें क्या होता है ना। अब खुद आप बताइए हमसे कि जो यहाँ पे लाइन इंसिडेंट करी है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ बीच में हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगी, होगी ना। अरे भाई आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है लाइन एंड एंगल, वहाँ वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक एंगल जिसको कोण कहते हैं हिंदी में, कुछ लोग परेशान थे सर आप पूरा इंग्लिश ही बोलते हैं, तो मैं हिंदी भी बोलूंगा बेचूँ, आप उसको समझते रहिए बस। तो एंगल ये हमारा क्या है, इंसिडेंट है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। भूलिएगा मत, यही वो वाला आई साइन है जो अभी हम लोग बाद में क्या पढ़ेंगे, साइन आई बाई साइन आर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स वॉट, रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बीच में भी एक एंगल फॉर्म होगी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो बातें आप समझ लिए, आप ये जान लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अरे भाई, जब दो एंगल फॉर्म तो इसके बीच में कोई तो रिलेशन होगा, और रिलेशन इतना आसान होता है कि एकदम तुरंत हम लोग समझ जाते हैं। होता है क्या, जो सेकंड लॉ होता है यही होता भी है क्या, कि जो एंगल आई होती है ये एंगल आर के बराबर होती है। बस हो गया काम, हो गया दोनों नियम हमारा, कि पहला नियम क्या था, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगी, और दूसरा क्या करना है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, आइए आगे चलते हैं। अच्छा आइए अब देखते हैं, अब तो हम लोगों ने यह जान लिया कि हमारा जो था रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से, लेकिन एक बात हमें यह भी जानना चाहिए, इसका इसमें से इमेज कैसी फॉर्म होती है। रिफ्लेक्शन कराएंगे तो इमेज फॉर्म होगी ना, तो इमेज फॉर्मेशन भी तो जानना पड़ेगा भाई। आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारा क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिर से बताया था, फिर से मैं दोबारा बना के बता रहा हूँ ताकि आप दोबारा समझ लीजिए। ये हमारा क्या था, प्लेन मिरर था, पुरानी बातें मैं आपको दोहरा रहा हूँ। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रे था, और ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे हमारा नॉर्मल था। इतनी बात क्लियर थी। अब देखिए, जो हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, वो जो इमेज होती है ना, सबसे पहली बात जान लीजिए, जो इमेज हमारी फॉर्म होगी किससे, प्लेन मिरर से, वो कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी। यानी बोलते हैं क्या, इमेज क्या हो जाती है, वहां पे लैटरल इन्वर्जन होता है। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बस नहीं समझे, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ। जो जैसे मान लीजिए हम अभी मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, हमारा प्लेन मिरर है, उसके सामने हम खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा राइट हैंड है ना, वो इमेज में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, वो ये प्रतीत होता है कि क्या हो गया, वो लेफ्ट हो गया है, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट प्रतीत होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। याद रहेगा इसकी बात को, भूलेंगे नहीं कभी ना, तभी हम आगे चलेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद रखना है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा, कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है किसी भी प्लेन मिरर से, वो क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, या वो लैटरल इन्वर्जन शो करती है। दूसरी बात, जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्या होता है वर्चुअल, हम लोग इसको वर्चुअल मतलब ये होता है कि हम लोग उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जब वर्चुअल होगी तो साथ में एक बात जान लीजिए, जहां जहां पे वर्चुअल होगा वहीं पे क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्या होता है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी फॉर्म होती है। अब ये नहीं कि आपने इमेज का, आपने क्या करा, जो आपने ऑब्जेक्ट सामने रखा है वो किसी और फॉर्म में रखा, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो सीधी नहीं होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। दो बात हम लोग समझ लिए, पहली बात क्या समझ लिए कि लैटरल इन्वर्जन होगा, दूसरा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अच्छा एक बात और जान लेते हैं, कि जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का होगा, इक्वल साइज इमेज फॉर्म होती है, एकदम इक्वल साइज और इक्वल डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई, मेन्स हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है और हमारा मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, तो जो हमारी ये वाली डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर होगी। मतलब क्या कहने का मतलब, एंगल भी बराबर थी हमारी, और क्या होगा, हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, और इक्वल साइज का फॉर्म होगा, एकदम इक्वल साइज का फॉर्म होगा। ये बात समझ में आ गई, तो ये बातें आपको याद रखना है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे एग्जामिनेशन में आती है, कि जो हमारा फॉर्मेशन होता है इमेज का, उसकी प्रॉपर्टीज का, तो पहला आपको याद रखना है कि लैटरली इन्वर्टेड होगा, दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तीसरा इक्वल साइज होगा, और चौथा इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और जान लेते हैं, कभी कभी वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो होता है, जो इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एकदम बस छोटा सा टॉपिक और है, फिर हमारा इसके बाद प्लेन मिरर हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा, हम लोग आगे चलेंगे स्फेरिकल मिरर की तरफ। बस दो मिनट में टाइम आपका और लूंगा। आइए देखते इसका यूज कहाँ होता है, मीन्स यूज ऑफ प्लेन मिरर।
इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, जो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है ना, जहाँ पे हम लोग अपना सेविंग करते हैं, जो महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं, तो जो ड्रेसिंग टेबल पे हम लोग मिरर यूज़ करते हैं, वो मिरर कैसा होता है, वो प्लेन मिरर होता है। दूसरी बात, जितनी ज्वेलरी शॉप होती हैं, आपने देखा होगा अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, कि जहाँ पे सुनार, अच्छा नहीं देखे जाके देख लीजिएगा ना, कुछ लोग कह रहे सर नहीं देखे, तो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, जाइए कभी घुमा घामा करिए, भले ही एग्जाम नज़दीक है लेकिन थोड़ा घूमिए टहलिए, तो जाके देखेंगे वहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर लगाए होते हैं, ताकि जो उसका रिफ्लेक्शन होगा तो थोड़ा सा उनकी शॉप की जो सुंदरता होगी वो बढ़ जाएगी। तीसरी बात, आपने कभी कभी देखा होगा जहाँ पे ब्लाइंड मोड होते हैं, ब्लाइंड मोड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग रास्ते देखेंगे कैसे रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे एकाएक टर्न हुआ रहता है, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड मूवमेंट या ब्लाइंड रोड बोलते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग इमेज को ये एक मिरर लगाते हैं जिससे जो व्यक्ति उधर से आ रहा है ना उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग साइड से उसको हम लोग देख सकें, तो इन सारे स्थानों पर इसका यूज़ होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसका यूज़ होने के लिए होता है, पेरिस्कोप, इसको याद रखिएगा कि जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो पेरिस्कोप बनाने के लिए भी करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या समझ लिया, हम लोगों ने पूरी प्लेन मिरर की स्टडी कर ली है, अब हम लोग आगे देखेंगे स्फेरिकल मिरर की तरफ, आइए देखते हैं।